एनिमी न्यूज के और एक लेटेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आपको नहीं पता है कि इस सीरीज में क्या होता है तो इस सीरीज में फ्यूचर में जितने भी एनिमेज आने वाले हैं हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि वो कब आने वाले और कौन से एनिमेज आने वाले। तो चलो शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला एनिमे है उशी नो को सीजन 2 जो कि शेड्यूल किया गया है जुलाई के 2 तारीख को। सेकंड एनिमे है ब्लू एक्सोरसिज्म बियॉन्ड द शो सागा, इसका शेड्यूल किया गया है अक्टूबर को 2024 के आने वाला है, डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है। थर्ड नंबर पे है एमिनेंसिंग शेडोज, और आखिरकार ये ना हमको इतने दिन बाद सुनने को मिला है क्योंकि सीजन 2 बहुत दिन पहले खत्म हो गया था। और फाइनली आ रहा है एक नए मूवी के साथ कमबैक करने वाला है जिसका नाम है द लॉस्ट एकोस, पर डेट कंफर्म नहीं है। सॉरी मैं काउंटिंग भूल गया कौन सा नंबर है। इसके बाद आता है घोस्ट इन द शेल, नया एनिमे आने वाला है बट इसका काउंटिंग थोड़ा देरी है क्योंकि ये 2026 में आने वाला है। इसका प्रोडक्शन स्टूडियो साइंस सारू है एंड मुझे नहीं पता कितने सारे एनिमेज बनाए हैं, बट मैंने जितना भी गूगल में सर्च किया मुझे जितना दिखा उसमें से बस सिर्फ डार्क एनिमेज दिखे हैं। लाइक ये स्टूडियो स्पेशली डार्क एनिमेज बनाता है जिसमें से एक एग्जांपल है डेविल मैन। देखो अगर थोड़ा एंगल या फिर वीडियो में कुछ भी अलग लग रहा है अचानक से तो इसका यही है, वीडियो अचानक से पॉज हो गई थी बननी, फोन का स्टोरेज खत्म हो गया था तो कुछ ठीक ठाक करके मुझे वापस से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो चलो नेक्स्ट एनिमे की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है फेरी टेल 100 इयर्स ऑफ क्वेस्ट जो कि जुलाई 7 को शेड्यूल किया गया है। उसके बाद वाले एनिमे है जिसका नाम है समर हिराकू डाइड, जून के 4 को शेड्यूल किया गया है। उसके बाद वाला है साकुना ऑफ राइज एंड रुइंस जो कि जुलाई के 6 को शेड्यूल किया गया है, मुझे नहीं पता इसका नाम मैंने सही लिया, गूगल करके सही कर सकते हो तुम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एस ऑफ द डायमंड एक्ट, सीक्वल आने वाला है इसका ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। एंड मुझे पता है मैंने बहुत कम एनिमेस को इधर कवर किया है बट देखो न्यूज़ इतना ही था, मैंने और अभी यू नो सर्च किए बट बहुत सारे फालतू एनिमेज आ रहे हैं एंड मुझे पता है तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगे उसको देखने के लिए। तो मैंने इनमें से जितने भी इंटरेस्टिंग नाम थे एनिमेस थे ट्रेलर देख के मुझे जितना लगा कि तुम्हें अच्छा लगा देखने में तो मैंने उन्हीं को कवर किया। हालांकि उन एनिमेस का मैंने ट्रेलर नहीं देखा, बस नाम और पोस्टर देख के ही मुझे लग रहा था बेकार होने वाला है। तो देखो ये वीडियो, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे एनिमे न्यूज सीरीज कवर किए हुए हैं एंड इसके बाद भी मैं करूंगा। और काजू नंबर 8 अगर तुमने उसका रिव्यू नहीं देखा है तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में उसको बनाया है, जो जाके देख सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एनिमे के टॉपिक के लिए, तब तक के लिए बाय।